दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के टॉप बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं और साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें। बड़ी खबर, बिहार में महंगी होगी बिजली, 25 को घोषित होगी नई दर। बिजली कंपनी ने 10% वृद्धि का दिया है प्रस्ताव। जी हां, 1 अप्रैल से प्रभावी होने वाले नई बिजली दर की औपचारिक घोषणा 25 मार्च को होगी। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने नई बिजली दर घोषित करने की पूरी तैयारी कर ली है। बिजली कंपनी ने आयोग से 10% बिजली का दर वृद्धि का प्रस्ताव दिया है। देखना होगा कि आयोग कंपनी के प्रस्ताव पर बिजली की दरों में वृद्धि करती है या नहीं। आयोग के अधिकारियों के अनुसार कंपनी की ओर से दी गई याचिका पर गहन मंथन हुआ है, आम लोगों से राय ली जा चुकी है। ऑनलाइन व ऑफलाइन में लोगों ने बिजली कंपनी के प्रस्ताव का विरोध किया है। सबों ने तर्क दिया था कि कंपनी अपना नुकसान कम करे तो बिजली और सस्ती हो जाएगी, जबकि कंपनी ने तर्क दिया था कि राज्य के 17 लाख ऐसे उपभोक्ता हैं जो 1 साल से बिजली बिल जमा नहीं कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, राज्य में अब गली मोहल्लों में नहीं दिखेंगे नंगे तार। विशेष अभियान चलाकर बिजली कंपनी लगाएगी केबल, इसी महीने से शुरू होगा काम। जी हां, अब गली मोहल्ले में बिजली के नंगे तार नहीं दिखेंगे। बिजली कंपनी ने ट्रांसफार्मर से लोगों के घरों तक पहुंचने वाले बिजली तार को कवर्ड रखने का निर्णय लिया है। इसके लिए राज्य में विशेष अभियान चलाकर एरियल बंच केबल लगाए जाएंगे। 1 अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष में इस वर्ष भी काम शुरू हो जाएगा। बिजली कंपनी ने इसके पहले राज्य में जर्जर बिजली तारों को बदलने का अभियान चलाया था। इसके तहत अब तक 85,000 किलोमीटर तार बदले जा चुके हैं। बड़ी खबर, बिहार में अब 1 दिन में होगी जमीन की रजिस्ट्री, दस्तावेज के लिए नहीं करना होगा 5 दिन का इंतजार। जहाँ राज्य में जमीन रजिस्ट्री कराने पर अब दस्तावेज उसी दिन शाम तक मिल जाएगा। इसके लिए आपको लोक सेवा गारंटी कानून की समय सीमा 5 दिन का इंतजार नहीं करना होगा। आपको जमीन रजिस्ट्री के बाद दस्तावेज वापसी के लिए लोक सेवा गारंटी कानून तहत आवेदन भी नहीं करना होगा। अपर मुख्य सचिव के पाठक ने इसके आदेश जारी किए हैं। अपर मुख्य सचिव ने सभी जिलों को निबंधन कार्यालय को नए आदेश के अविलंब लागू करने के लिए कहा गया है। इससे जमीन रजिस्ट्री के बाद दस्तावेज वापसी के लिए लोक सेवा गारंटी के तहत आवेदन भरने में लगने वाले 1.5 घंटे का समय नहीं जाया होगा। अभी तक जमीन या फ्लैट दान के लिए आप लोगों को लोक सेवा गारंटी कानून के तहत आवेदन देना अनिवार्य कर दिया गया है। आगे लोगों को इससे बाध्यता से मुक्ति मिलेगी। बिहार में होली और सबये बारात के दौरान चप्पे चप्पे पर रहेगी पुलिस की नजर, मुख्यालय ने दिया आदेश। जी हां, बिहार में होली और सबये बारात को लेकर सभी जिलों की पुलिस को अतिरिक्त सतर्कता बरतने को कहा है। वहीं जिस थाने में जितने बल की आवश्यकता है उपलब्ध कराई गई है। आपको बता दें कि जिलों में पहले से तैनात पुलिस बल के अलावा बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की कुल 15 कंपनियों की गई है। इसके साथ ही जगह जगह पर 13,000 से अधिक लाठी बल की प्रतिनियुक्ति की जा रही है। अगली बड़ी खबर, बिहार के वैशाली में बनेगा अनोखा रामायण विश्वविद्यालय, हर तरह के राम कथा और संस्कृत की होगी पढ़ाई। जी, भारतीय विरासत और संस्कृत के प्रति गौरव का भाव अब जनमानस में प्रबल होने लगा है। इसका नतीजा कई चीजों में देखने को मिलने लगा है। अब पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर ने भी एक ऐसी पहल की है जिससे जानकर हर भारतीय गौरवान्वित हो सकता है। बता दें कि महावीर मंदिर ट्रस्ट ने एक अनोखे विश्वविद्यालय को खोलने के लिए शिक्षा विभाग से संपर्क साधा है। इस विश्वविद्यालय का नाम रामायण विश्वविद्यालय होगा। यह सभी तरह के रामायण के अध्ययन की व्यवस्था होगी। बड़ी खबर, शरद यादव की पार्टी लोकतांत्रिक जनता दल का 20 को लालू की राजद में होगा विलय। जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव की पार्टी लोकतांत्रिक जनता दल का राजद में 20 मार्च को विलय होगा। इसके लिए आयोजन दिल्ली में उनके आवास 7 तुगलक रोड पर होगा। यह जानकारी बुधवार को खुद शरद यादव ने दी है। उन्होंने कहा कि देश में मौजूदा राजनीतिक स्थिति को देखते हुए जनता परिवार को एक साथ लाने का प्रयास की पहल है। कहा कि स्वास्थ्य कारणों से बहुत समय तक वह अपने प्रयासों को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। कहा कि एक समय था जब 1989 में जनता दल के पास लोकसभा में 143 सीटें थी। पार्टी ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बाद विभिन्न सरकारों के गठनों से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके बाद देश में वंचित वर्गों के सामाजिक और आर्थिक स्थिति में काफी उत्थान देखने को मिला है।
बड़ी खबर, महिलाओं के लिए नीतीश सरकार का एक और कदम, किसी भी शिकायत पर 0 FIR जरूरी। जहां नीतीश सरकार शराबबंदी समेत तमाम योजनाएं महिलाओं के बेहतरी के लिए की जा रही है, इसी बीच महिला अपराध की शिकायतों को दर्ज नहीं करने के मामले पर भी नकेल कसी जा रही है। अब शिकायत मिलने पर कार्रवाई में पुलिस की लापरवाही नहीं चलेगी। DGP SK सिंघल ने इसको लेकर भागलपुर सहित सभी जिलों के पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया है। उन्होंने पीड़ित महिलाओं के बयान पर राज्य के किसी भी थाने में 0 प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया है। 0 प्राथमिकी दर्ज करने के बाद उस प्राथमिकों को संबंधित थाना को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, बिहार में छोटे बच्चों को बाइक पर बेल्ट लगाकर बिठाना होगा, कानून में हुआ बदलाव, जाने कब से लागू होगा। जहां सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटरसाइकिल पर सवार या ले जा रहे 4 साल से कम उम्र के बच्चों की सुरक्षा के उपाय पर MBI एक्ट में संशोधन किया है। मंत्रालय ने MBI एक्ट की धारा 138 में संशोधन कर सेफ्टी हॉर्नेस और क्रैश हेलमेट के उपयोग के अनिवार्य बताया है। आप बच्चों को बाइक पर बेल्ट लगाकर बिठाना होगा। MBI एक्ट में हुआ अगले साल 15 फरवरी से लागू होंगे। क्रैश हेलमेट पहनना बच्चों के लिए अनिवार्य होगा। बाइक की स्पीड 40 से रहेगी। बड़ी खबर, बिहार में बजट सत्र के बाद चलेगा बुलडोजर, सरकारी जमीनों को कब्जे से कराया जाएगा मुक्त। जहां भूमि सुधार व राजस्व मंत्री राम सूरत राय ने कहा कि राज्य के सभी शहरों से अप्रैल से जून तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलेगा। इस दौरान सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को बुलडोजर से ढा दिया जाएगा। उन्होंने परिषद के सभी सदस्यों से आग्रह किया है कि बुलडोजर चलेगा तो माननीय किसी की पैरवी नहीं करेंगे, न ही इसमें बाधा बने। गौरतलब है कि बिहार विधानमंडल का बजट सत्र मार्च तक चलेगा, इसके बाद अप्रैल से अतिक्रमण पर बुलडोजर चलेगा। अगली खबर, बिहार में जल्द होगी 8853 ANM की भर्तियां, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का बड़ा ऐलान। जी हां, बिहार सरकार ने कल कहा कि जल्द ही राज्य में 8853 ANM नर्सों की नियुक्ति की जाएगी। विधान परिषद में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने मंगलवार को जनता दल यूनाइटेड के संजीव श्याम सिंह के एक सवाल के जवाब में कहा कि स्वास्थ्य उपकेंद्र में चिकित्सक की पदस्थापना नहीं होती है, सभी स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर 2-2 ANM का पद स्वीकृत है, जिसमें सभी स्वास्थ्य उपकेंद्र एक-एक एवं कार्यरत है जो COVID-19 प्रबंधन के साथ टीकाकरण एवं अन्य कार्यों का निष्पादन कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि शीघ्र ही राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से 8853 ANM की नियुक्ति होने के बाद ANM की संख्या बल बढ़ जाएगी। बड़ी खबर, बिहार में चरित्र प्रमाण पत्र बनाना हुआ अब और भी आसान, दरी करने वाले अफसर खुद ही फंस जाएंगे। जी हां, बिहार में पुलिस विभाग से चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना अब बेहद आसान हो गया है। इसके लिए आपको कहीं जाने या कतार में खड़ा होने की जरूरत नहीं है और न ही किसी अधिकारी या कर्मचारी की जेब करने की। चरित्र प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन देना है, इसके साथ ही 14 दिनों के अंदर आपका चरित्र प्रमाण पत्र बनकर मिल जाएगा। ऑनलाइन चरित्र प्रमाण पत्र बनाने में देरी होने पर संबंधित पुलिस पदाधिकारी पर 250 रुपए रोजाना की दर से जुर्माना लगेगा। गृह विभाग ने इस बाबत सभी वरीय पुलिस अधीक्षक व पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखा है और 1 सप्ताह के अंदर निश्चित रूप से लंबित आवेदनों का निष्पादन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। खबर, आप मुंबई दिल्ली में बैठकर भी निकाल सकते हैं बिहार के गांवों का नक्शा, NIC ने बनाया है नया सॉफ्टवेयर, इस तरह करेगा काम। जी, बिहार के किसी भी जिले के भूस्वामी राज्य के किसी अंचल से अपने गांव का नक्शा निकाल सकेंगे, सरकार ने यह व्यवस्था कर दी है। मिलने वाला नक्शा भी डिजिटल होगा, केवल शहादाबाद के 4 जिले यानी रोहतास, भोजपुर, बक्सर और कैमूर जिले के साथ मुजफ्फरपुर के मुसहरी अंचल के लिए यह व्यवस्था नहीं हो सकी है। इन जिलों के गांवों का नक्शा अभी डिजिटल फॉर्म में लाया जा रहा है, इसी के साथ जल्द ही घर बैठे कहीं भी नक्शा मंगा लेने की सुविधा भी मिलने वाली है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने इसके लिए नया सॉफ्टवेयर विकसित कर लिया है। भूमि सुधार विभाग ने राज्य के सभी जिलों के सदर अंचल कार्यालय में प्लॉटर मशीन लगाए हैं। इसके अलावा बिहार फाउंडेशन मुंबई और दिल्ली के बिहार निवास में भी इसकी व्यवस्था की गई है, लिहाजा उन दोनों महानगरों में बिहारी लोग भी अपने गाँव का नक्शा निकाल सकेंगे। जल्द सरकार शहादाबाद के 4 जिलों में भी यह व्यवस्था कर देगी। अगली बड़ी खबर, अब कोरोना के साइड इफेक्ट की होगी जांच, बिहार में पहली बार 30 दिनों तक चलेगा हेल्थ कैंप, पटना के 6 पार्कों में हर दिन 2 घंटे जांच। जी हां, कोरोना की तीसरी लहर में कम्युनिटी ट्रांसमिशन हुआ है, संक्रमण से एक बड़ी आबादी संक्रमित हुई है, किसी को लक्षण आया तो कोई बिना लक्षण के कोरोना निगेटिव भी हो गया। सामुदायिक संक्रमण के बाद भी अब बिहार में पहली बार
मंगलवार यानी 15 मार्च से लगातार 23 दिनों का हेल्थ कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें कोरोना के साइड इफेक्ट का खुलासा हो जाएगा। इसके लिए पटना के 6 पार्कों में सुबह 6 बजे से 8 बजे तक कैंप में मुफ्त जांच कराई जाएगी। अली मॉर्निंग हेल्थ कैंप में हर तरह की जांच पूरी तरह मुफ्त कराई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि 15 मार्च से 15 अप्रैल तक चलने वाले कैंप में लोगों के सेहत को लेकर अवेयर करेगा। जिन जगहों पर कैंप लगाया जाएगा उसमें एनर्जी पार्क, शिवाजी पार्क, इको पार्क, गेट नंबर 1, चिल्ड्रन पार्क, अदालतगंज, तालाब पार्क और पटना जू गेट नंबर 1 पर लगाया जाएगा। एक खबर, बिहार में स्थापित होगा पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क। शाहनवाज हुसैन ने कहा 1719 एकड़ जमीन चिन्हित। जहां बिहार के पश्चिम चंपारण में 1719 एकड़ भूमि पर पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना होगी। इस पार्क में राज्य सरकार का 51% और केंद्र सरकार का 49% इक्विटी होगा। यह योजना प्रदेश को देश दुनिया में वस्त्र उद्योग परिचय पर व्यापक पहचान दिलाएगा, बल्कि रोजगार सृजन और निवेश को भी बढ़ावा देगा। उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने बिहार विधानसभा में इसकी घोषणा की है। उन्होंने विभाग के बजट पर हुई चर्चा के दौरान विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों को बड़े मुखर अंदाज में करार जवाब दिया, तो वही विभाग की उपलब्धियां भी गिनाई। खबर, बिहार में इस साल अप्रैल में चढ़ जाएगा पारा। अगले माह 40 डिग्री सेल्सियस के साथ टूटेंगे कई रिकॉर्ड। जी, अप्रैल के प्रथम सप्ताह में प्रदेश का पारा 40 डिग्री सेल्सियस पार कर जाने के आसार है। प्रदेश में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस की ओर तेजी से बढ़ा है। विशेषज्ञों के मुताबिक अगले 48 घंटे में उच्चतम पारा 35 पार गिरने जाने का पूर्वानुमान है। दरअसल प्रदेश में पूर्वैया हवा जोर पकड़ती रही है। वातावरण में नमी की मात्रा भी लगातार कमी दर्ज की जा रही है। IMD की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक रविवार को प्रदेश में सबसे अधिक तापमान भागलपुर और बक्सर में 34.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बिहार में अब वाहनों के नंबर प्लेट पर दिखेगा फिटनेस सर्टिफिकेट। मोटर वाहन अधिनियम में हुआ संशोधन। जी हां, अब वाहनों के नंबर प्लेट पर फिटनेस सर्टिफिकेट भी दिखेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर यान नियमावली में संशोधन किया है। आपको बता दें कि नए नंबर प्लेट के डिजाइन में बदलाव किया गया है। बाइक के प्लेट का रंग नीला होगा। प्लेट की साइज 80 mm लंबी और 45 mm ऊंची होगी। इसमें 3 लेयर में सूचनाएं एरियल बोल्ड स्क्रिप्ट में अंकित करनी होगी। सबसे ऊपर फिटनेस सर्टिफिकेट लिखा होगा, उसके नीचे फिटनेस समाप्ति की तारीख, माह व साल अंकित होगी। वहीं सबसे नीचे लेयर में बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा। सारे स्क्रिप्ट पीले रंग में लिखे रहेंगे। आज के लिए आपका सवाल बताएं कि देश के हर राज्य में फिल्म द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करना चाहिए या नहीं। इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।